नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कानपुर में शनिवार रात हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। इनमें 13 महिलाएं और 13 बच्चे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई थी, उसमें 45 लोग सवार थे। ये लोग उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से मुंडन संस्कार के बाद कानपुर लौट रहे थे। सभी कोरथा गांव के रहने वाले थे। भास्कर जब इस गांव में पहुंचा तो पता चला कि ट्रैक्टर ड्राइवर शराब पी थी और मना करने के बावजूद भी वह गाड़ी चला रहा था। मुंडन भी उसी के बच्चे का था। इस हादसे में वह बच गया और फरार है। शनिवार देर रात भीतर गांव सीएससी में सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद सुबह एक एक करके 26 शवों को कोरथा गांव लाया गया। भास्कर रिपोर्टर ने यहां जो नजारा देखा तो वह दिल दहलाने वाला था। पूरे गांव में मातम है। जिस दरवाजे पर नजर डालो वही अर्थी पड़ी है। चीखे और सिसकियां गूंज रही है। गांव वाले ने सभी शवों को एक साथ अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया है। कोरथा गांव के लोग बोले, ड्राइवर मिला तो छोड़ेंगे नहीं। एडीजी भानु भास्कर ने सार थाना प्रभारी आनंद पांडे समेत 4 पीआरवी जवानों को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया है। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच होगी। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद ये लोग सही समय पर नहीं पहुंचे। लोगों ने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एम्बुलेंस देरी से पहुंची, अगर समय पर पहुंची तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मृतकों के परिजनों से मिलने कानपुर पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लीडर्स ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज जागरूक भारत।